पापा जी भूरी गाय को रिप्लेस करके किसको लिया है इस फिल्म में? क्या दोस्ताना जैसा लव ट्रायंगल होगा इस फिल्म में? हमें पुरानी फिल्म की एक और सीक्वल नजर आने वाली है इस साल, जिसका नाम होगा दोस्ताना 2। ये एक अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज फिल्म है विद लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड कॉमेडी। इसे डायरेक्ट करने वाले हैं कॉलिन डी कुना एंड प्रोड्यूस करने वाले हैं करण जौहर एंड नीरू जौहर। ये फिल्म रिलीज होगी अंडर द बैनर ऑफ धर्मा प्रोडक्शंस। दोस्ताना भी करण द्वारा ही प्रोड्यूस की गई थी जो 2008 में रिलीज हुई थी। अब इस फिल्म में लीडिंग रोल के रूप में जानवी कपूर, लक्ष्य ललवानी एंड अभिषेक बैनर्जी नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों बॉलीवुड एसिडिज्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म दोस्ताना 2 के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्ताना 2 प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन एंड जॉन अब्राहम की दोस्ताना की सीक्वल फिल्म है जो अच्छी खासी हिट फिल्म थी। एंड इस फिल्म दोस्ताना 2 में पहले कार्तिक आर्यन स्टार करने वाले थे, बट कुछ इश्यूज के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी है। इस फिल्म के जो लीड एक्टर लक्ष्य हमें लास्ट सोनी टीवी की सीरीज पोरस में नजर आए थे, जो काफी हिट हुई है। ये करण जौहर की फिल्म है तो लव ट्रायंगल तो जरूर होने वाला है, जिसमें जानवी, लक्ष्य और अभिषेक बैनर्जी का लव ट्रायंगल होगा जस्ट लाइक दोस्ताना। फिर एक ट्विस्ट के साथ दिखाया जाएगा जिसमें अभिषेक एंड जानवी को सबलिंग बताया जाएगा एंड दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, यानी कि इसमें जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट भी दिखाया जाएगा। अब कोविड के कारण बहुत सी फिल्में लेट हो चुकी है रिलीज होने में एंड इस फिल्म की कहानी भी यही सेम है। अब इसकी रिलीज डेट आ चुकी है जो है अप्रैल 2022। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड एंड स्टूडियोज। आज के हमारे वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं एंड लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक अपडेट के साथ। थैंक यू।